तो पहले बांसवाड़ा और फिर अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस पर भारी पड़ा बल्कि पूरे विपक्ष पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हुए कहा है कि उनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है और कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के मंगल सूत्र तक छीन लेगी और अब देश की आधी आबादी भी पीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। गांधी ने क्या महिला को कमा के दी है, उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं। राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जाँच की जाएगी, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने 24 के चुनावी रण में नई गर्मी ला दी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ पहुंची है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर तरकश से ऐसे तीर छोड़े हैं जिससे अब कांग्रेस न निगल पा रही है न उगल पा रही है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है कितना ही कम क्यों ना हो वो स्त्री धन होता है। ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है, उनका मंगल सूत्र उस पर उन लोगों की नजर है। मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लेकर पीएम जब राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर हमलावर थे तब तक कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आर्थिक सर्वे कराने वाले वादे का दांव इतना उल्टा भी पड़ सकता है। अब आधी आबादी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। देखिए, ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है कमा के दिए राहुल गांधी ने संपत्ति, जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे। उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे ये कैसे संभव है। देखिए, उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगल सूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगल सूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही पीएम ने दो बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जनता को सतर्क किया। पीएम के दोनों बयानों में अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहला बयान रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो महिलाएं कह रही हैं कि कांग्रेस को आखिर ला कौन रहा है, कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटा है और अभी भी लूटने की बात कह रही है। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है, इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं, कांग्रेस का तो सूबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना, किसी की प्रॉपर्टी को आप पैसे कैसे किसी और को दे सकते हैं ना, किसी का पर्सनल है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीजों को अगर ऐसे जब्त किया जाएगा तो ये तो सरासर गलत है।
इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आप किसी को देते हैं तो ये गलत बात है। देखिए, कांग्रेस का तो हरदम का यही रहा है, चाहे लड़कियों को लेकर हो, चाहे सोने चांदी को लेकर, हर चीज़ों में इन लोगों का हरदम इन लोगों की गलत ही राय रही है, चाहे आप जिससे भी ले लो। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सबके समान अधिकार हैं, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। किसी दूसरे को लेकर के गलत होता है सब चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, जो दावा किया, उसे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अपने अंदाज में दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। पहले चरण के मतदान के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तीखे बयान और आरोपों की बौछार होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस एक बार फिर से चारों खाने चित नजर आ रही है, क्योंकि मोदी ने आरोपों का पन्ना कांग्रेस की किताब से ही निकाल कर उस पर अटैक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हुबली की बेटी नेहा को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल सभी के जहन में है। बीजेपी जहां नेहा मर्डर को लव जिहाद से जोड़कर जांच की मांग कर रही है, तो वहीं परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने नेहा के माता पिता से घटना पर बात की है और सवाल पूछे हैं। देखिए, सच्चाई इस केस में क्या है, ये जो किलिंग हुई है इसके पीछे कारण क्या है और वजह क्या है? कॉलेज में जो लड़के लोग का ऐसे घटनाएं होती है तो कुछ ना कुछ वजह रहता है, कोई ना कोई पीछे हाथ रहता ही है। इतना बड़ा कैंपस में इतना बड़ा हस्ता, और मेरे बेटे के ऊपर आज से नहीं हुआ है, ये लगातार साल डेढ़ साल से ये पीछे षड्यंत्र चली हुई है, एक दिन का नहीं है। और हमारा घर तक कोई इन्फॉर्मेशन लगने नहीं दिया। इसमें जैसे जैसे लोग अपने को अभी कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी तो इन्फॉर्मेशन आता है, उसी हिसाब से हमें तहकीकात करते हैं। जनरली हमारे इन्फॉर्मेशन को भी हमने छोड़ा है, हमको भी लेके आ रहे हैं, तो देखा तो ये कई लोगों का हाथ है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को डिमांड किया, अपने गवर्नमेंट को, कि सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी वो उस दिन एक आदमी मिला है, उसके पीछे उसका परिवार भी है, उसका माता है, उसका पिता है, उसका बहन है, उसके साथ आरोपी भी है, उसके साथ और या लोकल लोग भी उसको सपोर्ट दिया है, उनका नाम भी दिया मैंने। खाली एक को आदमी को दिया, उन्होंने पकड़ा है, और किसी चीज में और आदमी को कोई भी अभी तहकीकात नहीं हुआ करके मेरे को रिपोर्ट आई है, ना अरेस्ट किया है। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? घटना ही होने के बाद भी आप कांग्रेस पार्टी से हैं तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्यों सरकार, मुख्यमंत्री जी को ये घटनाएं के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन में जो कमिश्नर है अपने जिले के, उन्होंने ये गलत बयान, अपने को गलत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया हुआ है, और उसके साथ गृह मंत्री जी को दिया हुआ है, और उसके साथ उप मुख्यमंत्री को
उन्होंने गलत बयान देने के लिए गलत रिपोर्ट दे दी है। ये मैं जानना चाहूंगा, मैं एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे और गीता, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे और गीता जी से भी जो बैठी हुई है वहां पे, कि अगर गीता जी भी इस बात पर कहे कि क्या नेहा को कन्वर्ट करने के लिए रिलीजन चेंज करने के लिए कोई फोर्सिंग हो रही थी, कोई फोर्स करने की कोशिश हो रही थी कि वो अपने रिलीजन को चेंज करे, क्या आप और गीता जी कुछ कह पाएंगी इसके बारे में? गीता जी कुछ कहना चाहेंगी इस पर? उसके लिए मैं ही बयान देता हूं, और मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि उन्होंने ऐसा कोई, मेरे को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हम डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि खाली प्रपोज कर रहे थे, कॉलेज में छेड़ रहे थे, इतना उनको भी पता है, मेरे को भी रिपोर्ट आई थी, हमको भी जानकारी है। इन्होंने माताजी ने बोला, नेहा ने आपको कहा था ऐसे ही, नेहा ने आपसे बात की होगी उस समय? मेरे को नहीं बोला, उनको माताजी को उनको बताया क्या, उनको बात किया था कॉलेज में, मेरे को ऐसे लड़के लोग फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे को छेड़ रहे हैं करके उन्होंने बोला हुआ है। अगेमपुर खीरी के जंगल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में चलती कार में तमंचा लहराते शख्स का वीडियो वायरल। वीडियो में देख सकते हैं कैसे कार चालक हाथ में तमंचा पकड़कर गाड़ी ड्राइव कर रहा है। यूपी की कार नजर आ रही है। यूपी के सहारनपुर में फतेहपुर कलसिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, दो लोग की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1.4 करोड़ नकद और 4 किलो चांदी बरामद की है, और इसके अलावा अन्य धातुओं के जेवरात और मोतियां बरामद की है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट, शव को जलाकर हड्डियों को तालाब में फेंका, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में राशन की कालाबाजारी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, राशन के चावल से लदी गाड़ी को रोकने पर जमकर हुई मारपीट, ग्रामीणों का आरोप राशन डीलर की मिली भगत से हो रही थी कालाबाजारी। पीएम मोदी आज राजस्थान के टोंक दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी आज से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन में 3 जनसभाएं जिनको संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा महासमुंद और सरगुजा जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। शाम 7 बजे अमित शाह बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी सोच, आपका संपत्ति और मंगलसूत्रों पर अपना पंजाब मानना चाहती है कांग्रेस। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी में टारगेट किलिंग सामने आई है, जहां आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी, और 1 महीने में टारगेट किलिंग की ये 3री वारदात है। देखिए 1 मिनट में पूरी।